अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्राफिक्स वाल सरकार और मैं हूं आपको मोहम्मद सत्तैन। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लाया हूं आपके पास शॉर्टकट्स। तो शॉर्टकट्स मैं आपको बताने वाला हूं और उनके मुकम्मल डिटेल के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उस पर काम कैसे करना है आपने। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत से सॉफ्टवेयर्स फ्री में मिलने वाले हैं और उनके मुकम्मल कोर्सेस आपको देने वाला हूं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहां पर फिल टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे पिछली क्लासेस में आपने बहुत सी कमांड्स के बारे में जान लिया होगा, तो आज हम फिल टूल के बारे में बात करेंगे। फिल टूल को कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैंने तीन बॉक्स बनाए और एक शेप बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखें दोस्तों, मैंने कुछ शेप बना दी है ऐसी और बॉक्स भी बना दी हैं। यहाँ पर हम फिल टूल को यूज़ करते हैं। यहाँ पर स्मार्ट फिल पर क्लिक किया और कोई भी कलर हमने यहाँ पर चूज़ कर लिया। ऊपर से ये वाला कलर हम जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे वहाँ वहाँ कलर होता जाएगा। ये वाला कलर हमें चाहिए, यहाँ पर देखें दोस्तों रेड वाला, रेड में इधर आ जाएगा। तो देखें दोस्तों यहाँ पर हमारी स्मार्ट फिल टूल यूज हो रही है आउटलाइन पर। ये हमारी सिर्फ आउटलाइन पे यूज हो रही है। अब हम फिर स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक करेंगे और इधर क्लिक करेंगे फिल ऑप्शन। ये फिल ऑप्शन में आएगा और ये हमारा आउटलाइन। आउटलाइन हम जिस कलर की करें कर सकते हैं। स्मार्ट फिल टूल बहुत ही ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल होने वाली कमांड है दोस्तों। आगे जब मैं मुकम्मल प्रोफेशनल क्लासेस स्टार्ट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या है। यहाँ पर मैं बॉक्स पर भी अप्लाई करूँगा कि हमें अंदर ये कलर चाहिए, ये और इसकी आउटलाइन पर ये वाला। ये काम हम बहुत आसानी से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे और भी ज़्यादा काम आसान हो जाता है आपका। तो इसके बाद जो हम कमांड यूज़ करने वाले हैं वो है जूम की कमांड। ये देखें दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जूम पड़ा हुआ है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ क्लिक करेंगे और जूम के बाद हमारे पास एक और पड़ा हुआ है पेन टूल। पेन टूल से हम अपने ऑब्जेक्ट को उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पेन टूल इस्तेमाल ना करना चाहें तो हम सिंपल यहाँ पर स्पेस क्लिक करेंगे और हमारा पेन टूल एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने स्पेस दबाया और पेन टूल ऑफ हो गया, फिर स्पेस दबाया और पेन टूल हमारा ऑन हो गया। पेन टूल से हम कहीं से भी अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और ले जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारे पास कमांड आने वाली है वो है रेजर की कमांड। रेजर की कमांड के बारे में भी अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कुछ शेप्स बना दी और शेप्स बनाकर मैंने इनको कर दिया यहाँ पर वेल्ड। वेल्ड करने के बाद देखें दोस्तों, अगर ये जगह हमें नहीं चाहिए हम यहाँ पर इरेज कर सकते हैं बहुत आसानी से। हमने ये क्रॉप के साथ जाना है और नाइफी के नीचे इरेजर पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों हम इस ऑब्जेक्ट पर कैसे यूज करेंगे। ये देखें, हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे हम यूज नहीं कर सकते। ये देखें, इरेजर टूल रिक्वायर्स सिलेक्शन। हम पहले इसकी सिलेक्शन करेंगे, पिक टूल से डबल क्लिक करेंगे और हमने यहाँ पर इरेजर पर जाकर वो जो भी शेप बनानी है हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखें दोस्तों, और यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझा दूँ, मैं फिर थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने इरेज कर दिया, फिर भी देखें हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। यहाँ पर हम कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट अलहदा अलहदा हो जाएंगे। यहाँ पर कंट्रोल के, फिर हमने इनको इकट्ठा करना है तो यहाँ पर हमने वेल्ड करना है और वेल्ड से फिर उसी तरह वेल्ड हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो टूल आती है वो आती है इनवेलप की। इनवेलप की टूल अभी आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे यूज़ करनी है। अगर आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट है, आपने कंट्रोल क्यू प्रेस किया, डबल क्लिक किया और डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये देखें कर्व पर क्लिक किया, इसको थोड़ा सा
ऊपर ले गया पकड़ के, और इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर ले गया, और इस पर आपने अगर उर्दू का टेक्स्ट फिट करना है तो वो इनवेलप टूल से फिट होगा। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये इनवेलप टूल से कैसे फिट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब देखें कि अगर आपके पास इंग्लिश वर्ड है तो यहाँ पर MALIK ऐसे वीडियो देते हैं, यहाँ पर हम कोई भी इंग्लिश का लफ्ज लिखते हैं, मैंने इसे छोटा कर दिया, और इसको हम जाएंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाने के बाद हम इसको फिट टू द पाथ करेंगे यहाँ पर। तो ये देखें दोस्तों हमारे पाथ पर मुकम्मल ये फिट हो जाएगा। इंग्लिश का तो ये मेथड है फिट करने का, लेकिन जो उर्दू का है, उर्दू ऐसे फिट नहीं होती, उसको एनवेलप टूल से फिट करना पड़ता है। ये देखें दोस्तों मैं आपको फिट करके भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने जाना है सिंपली एनवेलप टूल पर, ये पड़ा हुआ एनवेलप टूल, इसको हमने ऊपर से नीचे क्लिक कर देना है और इसको हमने ऊपर ले जाना है ऐसे। देखिए दोस्तों ये इसके अंदर फिट होने जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा हम नीचे कर लेंगे। ये देखें दोस्तों आपकी इनवेलप टूल बहुत ही यूज़ होने वाली है उर्दू में। आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना चाहते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने को मिलेगी कमांड। ये मैंने यहाँ पर फिट कर दिया। देखें दोस्तों ये जो उर्दू का फॉन्ट है ये बगैर इस तरीके से कहीं भी कर में फिट नहीं होता। इंग्लिश का जो है वो यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाकर हम फिट टूल करेंगे तो इसमें ये फिट हो जाएगा। इसके बाद जो दोस्तों हमारे पास कमांड आ रही है वो है ट्रांसपेरेंट की कमांड। ट्रांसपेरेंट कमांड भी अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने कैसे यूज करनी है। ये कलर आपने ऊपर रख दिया और ये नीचे, ये देखिए दोस्तों शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे अपना ट्रांसपेरेंट टूल, ट्रांसपेरेंसी लगाएंगे, ऊपर से नीचे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखें दोस्तों ये कलर हमारा ट्रांसपेरेंट होगा इसके ऊपर। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की एडिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी, इधर लेके जाएंगे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर यूनिफॉर्म पड़ा है, यूनिफॉर्म से ये बिल्कुल डल हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर लीनियर लेफ्ट राइट होता है, और यहाँ पर रेडियल भी पड़ा है, गोल शेप में भी आप इसको कर सकते हैं, और इसको हम पैटर्न, ये तो हमारा ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास यूनिफॉर्म और लीनियर। और इसके बाद यहाँ पर ऐड आ गया है, ऐड के बाद सब्ट्रैक्ट आ गया है, आने वाली क्लासेस में इसको भी मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और इसके बाद हमारी जो यूज़ होने वाली है कमांड वो बहुत बहुत ही अहम कमांड है दोस्तों, वो आपको बताने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्स डिज़ाइन कर दिए, तो बॉक्स डिज़ाइन करने के बाद यहाँ पर जाऊँगा मैं अपने व्यू में जाकर स्नैप्स मैंने बंद कर दिए। ये देखें दोस्तों स्नैप्स बंद करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, ये आपने स्नैप बंद कर दिए और आप इसको इसके साथ बिल्कुल जोड़ के रखना चाहते हैं तो आप इसको इसके साथ जोड़ के नहीं रख सकते, कोई ना कोई फ़र्क इसमें आ जाता है। ये देखें दोस्तों ये मैं इसके साथ रखने की कोशिश करता हूँ, ना हमें यहाँ पर मिड पॉइंट बता रहा है, ना एंड पॉइंट बता रहा है, और ना स्टार्ट पॉइंट। अगर हम जाएंगे यहाँ पर व्यू में और यहाँ पर जाएंगे हम स्नैप टूल और स्नैप ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये देखें इधर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट, ये आ जाएगा एंड पॉइंट, और ये स्टार्ट पॉइंट। ये हम कहीं पर भी इसको फिट कर सकते हैं बिल्कुल मेजरमेंट के साथ, ये फिट हो जाएगा यहाँ पर। अगर हमारे पास स्नैप्स ऑन नहीं होती तो ये काफ़ी मसला करता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो कमांडें ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं वो भी आपको बता देना हूँ कि यहाँ पर अगर आप प्रेस करेंगे F1 तो F1 से इसकी हेल्प के बारे में बताएंगे, F2 प्रेस करेंगे तो F2 से यहाँ पर डायरेक्ट हम जूम की कमांड में आ जाएंगे जितना जूम करना चाहते हैं, F3 पर क्लिक करेंगे तो F3 में हम इसको जूम आउट कर देंगे जितना जूम आउट करना चाहते हैं,
और F4 पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ भी पड़ा हुआ है, F4 पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारे सामने आ जाएगा। ये देखें दोस्तों, मैं अपने ऑब्जेक्ट को अपने व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर ले गया हूँ। सिंपल मैंने F4 दबाया तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बिल्कुल सामने आ गया है। इसके बाद जो दोस्तों हमारे पास F की कमांड में यूज़ होने वाले हुए वो है F10। F10 पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कर्व आ जाएंगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पर मैं लूँगा, ये लूँगा, यहाँ पर F10 दबाया तो इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये एडिट हो गया, हाफ हो गया, ये देखें दोस्तों। इसके बाद हम मैं एक और बॉक्स यहाँ पर लगा देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखें दोस्तों, ये मैंने F10 दबाया और इसको हम कर्व कर लेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके बॉक्स पर ऑलरेडी आपने कंट्रोल क्यू दबाया है, कंट्रोल क्यू दबाने से ये कर्व हो जाता है और यहाँ पर F10 की कमांड यूज़ नहीं हो सकती। देख लें दोस्तों, F10 की कमांड नहीं यूज़ हो रही यहाँ पर, अगर हमने कंट्रोल क्यू दबा दिया है तो दोस्तों। इसके बाद हमारे पास जो यूज़ होने वाली कमांड है वो है जी बिट मैप की। अगर आपके पास कोई भी इमेज है वो बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन की है, यहाँ पर आप कन्वर्ट टू बिट मैप में जाएंगे और बिट मैप में जाकर आप इसके कलर और इसकी रेजोल्यूशन कम कर सकते हैं, आपका सेटअप बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप, मैं और भी अच्छी कमांड्स के बारे में और प्रोफेशनल वर्क के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।